हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। तो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन एंड बिगिनिंग्स पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। तो अब हम पढ़ेंगे सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज आज की वीडियो में। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? लिविंग, मतलब जो हड़प्पन्स थे उनका लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल क्या था, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या वो एनिमल्स को खाते थे या नहीं खाते थे, और उनकी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ क्या थी, किस तरह के टूल्स यूज़ करते थे, इरिगेशन के लिए किस तरह की नहरों का, कैनल्स का यूज़ करते थे, वाटर रिजर्वायर्स कहाँ कहाँ मिले, ये सब हम पढ़ेंगे सिर्फ आज के वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने मैप्स तो ऑलरेडी डिस्कस हमने कर ही लिए थे, जैसे ये वाला मैप है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था ये, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि उनके लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल कैसा था, खाना पीना कैसा रहता था। तो जो हड़प्पन्स थे वो वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स खाते थे, इंक्लूडिंग फ़िश। तो इन्होंने यहाँ पे इंक्लूडिंग फ़िश लिखा है, मतलब फ़िश को अलग से मेंशन किया है, तो आपको ये चीज़ समझने वाली है कि फ़िश आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हड़प्पन्स क्या खाते थे, प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते थे, एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते थे, मतलब वो शाकाहारी तो थे ही थे, मांसाहारी भी थे, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स दोनों खाते थे। तो इस पैराग्राफ में पहले हम पढ़ेंगे प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने अब ये पता लगाया कि वो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते थे, कैसे पता लगाया, उनको चार्ड ग्रेन्स एंड सीड्स मिले हैं। ग्रेन्स एंड सीड्स तो आप समझते ही हैं, चार्ड का मतलब क्या है, चार्ड का मतलब होता है बर्नड एंड ब्लैकेंड, उस टाइम जल गए होंगे किसी वजह से, डिस्ट्रक्शन हुई जब, और उसके बाद वो काले पड़ गए। तो जब उनकी स्टडी की गई, उनकी एज फाइंड आउट की गई एंड सब कुछ जो भी वो करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने स्टडी किया तो उनको पता चला कि ये क्या है, ग्रेन्स एंड सीड्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि पहले हम ये पढ़ेंगे कि वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, उसके बाद हम ये भी पता करेंगे कि कैसे हमें पता चलता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट को चार्ड ग्रेन्स एंड सीड्स मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ड ग्रेन्स एंड सीड्स मिले हैं, इससे पता चलता है कि वो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते थे। अब जो प्लांट्स की स्टडीज़ करते हैं ना, कि प्लांट्स के प्रोडक्ट्स से, इनको हम आर्कियोलॉजिस्ट नहीं कहते हैं, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट के भी आगे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं आर्कियोबॉटनिस्ट, ठीक है। आर्कियोबॉटनिस्ट कहते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में सारी स्टडीज़ करते हैं। सो दीज आर स्टडीड बाई आर्कियोबॉटनिस्ट हु आर स्पेशलिस्ट इन एंशियंट प्लांट रिमेन्स, वो प्लांट रिमेन्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट। यहाँ पे है कि हमें कौन कौन सी ग्रेन्स वहाँ पे मिली हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हड़प्पन साइट्स पे जो हमें ग्रेन्स मिली हैं वो हैं वीट, बाली, लेंटिल, चिकपी एंड सीसेम। तो इन चीज़ों का अगर आपको पता नहीं, आप अपनी बुक में हिंदी में लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है सीसेम तिल होता है, और माइलेट्स जो हमें गुजरात में मिले हैं, माइलेट्स मतलब बाजरा होता है, ठीक है। तो माइलेट्स हमें गुजरात में मिले हैं, हमें राइस भी मिला है बट बहुत कम मिला है। तो फाइंड्स ऑफ राइस, चावल वो खाते थे बट काफ़ी कम खाते थे, ठीक है। ये हो गया जो आक्यो बॉटनिस्ट ने स्टडी किया। अब हम पढ़ेंगे एनिमल रिमेन्स के बारे में कि क्या वो एनिमल्स को खाते थे। तो हमें एनिमल बोन्स मिले हैं, ठीक है। इनमें क्या क्या आता है, इनमें आता है कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग। ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब एमसीक्यूज आते हैं ना, वहाँ पे जैसे चार एनिमल्स के नाम दिए होंगे, फोर एनिमल्स के नाम, तो कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सा नहीं है, हमें छांटना पड़ता है, राइट। तो इसमें है कि आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, ठीक है। तो जो एनिमल बोन्स या एनिमल्स की स्टडी करते हैं, एनिमल के जो रिमेन्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, या आर्कियोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो इन सब की स्टडी करते हैं, जैसे आर्कियोबॉटनिस्ट होते हैं वो प्लांट रिमेन्स की स्टडी करते हैं, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो एनिमल बोन्स वगैरह की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो एनिमल्स को पालते थे, ठीक है। हमें बोन्स मिले हैं जंगली जो स्पीसीज होती हैं, वाइल्ड स्पीसीज होती हैं, जैसे बोर है, डियर है, घरियाल है, ये नाम याद रखने वाले हैं आपको, ठीक है। अब हमें ये तो नहीं पता कि वो इन सब का खुद शिकार करते थे, या कोई शिकार करने वाली कम्युनिटी थी, कोई हंटिंग कम्युनिटी थी, उनसे मीट खरीदते थे, ठीक है। जैसे आजकल ह्यूमंस क्या करते हैं, वो मीट मार्केट होती है वहाँ पर जाते हैं, मीट खरीदते हैं। तो अब हमें ये नहीं पता कि हड़प्पन उस तरह से मीट खरीदते थे, ठीक है, या फिर खुद शिकार करते थे, ठीक है। और प्लस बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर ऑल्सो फाउंड, फाउल एक तरह का बर्ड होता है, ठीक है। तो इन दोनों का भी स्पेशल मेंशन है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन दोनों की बोन्स भी मिली हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है, आपको दो चीज़ें यहाँ देखनी है कि हम क्या करें, एनिमल रिमेन्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को कौन स्टडी करता है, उनका मेंशन करना, उनके बारे में बताना क्या क्या मिला है, एंड एनिमल बोन्स के बारे में कौन स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताना और हमें उससे क्या क्या पता चलता है। दो पैराग्राफ आपके बन गए, राइट। अब आता है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़।
एग्रीकल्चर करते थे, किस तरह के टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते थे। तो देखिए मैंने यहाँ पे अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो मैंने यहाँ पे चार पॉइंट्स बनाए हैं, एनिमल्स, टूल्स, कैनल्स एंड वाटर रिजर्वायर्स। ठीक है, वाटर रिजर्वायर्स इस तरह से। और बाकी तो फिर प्री में अगर क्वेश्चन आता है तब तो फिर हमें डेप्थ में करनी ही है स्टडी। देखिए एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़, खेती बाड़ी के लिए किस तरह के टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, टॉपिक हमारा ये है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एग्रीकल्चर होता था, क्योंकि हमें क्या मिले, ग्रेन मिले, सीड्स मिले, मतलब खेती बाड़ी होती थी। बट अब इस चीज़ को रिकंस्ट्रक्ट करना कि वो कैसे खेती बाड़ी करते थे, क्या तरीका रहता था, क्या उनकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थी, ये डिफ़िकल्ट है। ठीक है, अब हमने मोहरों के बारे में पढ़ा है, तो जो हमें रिप्रेजेंटेशन मिली है सील्स पे या टेराकोटा स्कल्पचर पे, वो इंडिकेट करती कि बुल का तो उनको पता था। आर्कियोलॉजिस्ट ने प्लस और स्टडी की है डेप्थ में जाके, जिससे ये पता चलता है कि ऑक्सन यूज़ होती थी प्लफिंग के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। नेक्स्ट है मोर ओवर टेराकोटा। टेराकोटा क्या है, ये मटेरियल है, जिसे हमने पढ़ा कि सील्स जो होती है वो स्टीयरटाइट की बनी होती है। ठीक है, वैसे टेराकोटा एक मटेरियल है, इससे भी कुछ खिलौने आप कह सकते हैं मॉडल्स बने होते हैं। ठीक है, तो टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं प्लफ के। ठीक है, प्लफ समझते हैं आप, हल जिससे हम खेत में मतलब फर्टाइल करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, हल। ठीक है, तो जो टेराकोटा मॉडल्स हैं वो हमें हल के मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं ये क्वेश्चन बनता है, चोलिस्तान एंड एट बनावली हरियाणा। चोलिस्तान और बनावली हरियाणा में हमें क्या मिले हैं, प्लफ के मॉडल्स मिले हैं। फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को भी फाइंड किया है कि हमें प्लफ्ट फील्ड, प्लफ्ट आप समझते हैं जहाँ पे हल जोता गया हो, ऐसे खेत का एविडेंस मिला है कालीबंगन राजस्थान में। तो ये दो चीज़ें आपको अच्छे से याद रखने वाली हैं। ठीक है, ये तो हो गया एग्रीकल्चर का। उसके बाद अब हम करेंगे कि हार्वेस्टिंग के लिए वो कौन से टूल्स को यूज़ करते थे। तो अब हमें नहीं पता कि वो वुडन टूल्स यूज़ करते थे जिसमें आगे स्टोन के ब्लेड्स हों, या वो मेटल टूल्स यूज़ करते थे। तो आपको याद रखना है टूल्स में आगे तो वुडन और मेटल का डिफरेंस बताना है, थोड़ा इलेबोरेट करना है, राइट। फिर आ गया जी कैनल्स के बारे में। अब आप देखेंगे अगर मैप पे जितनी भी हड़प्पन साइट्स हैं वो सूखे एरिया में है, सेमी एरिड लैंड्स में है। ठीक है, अब क्योंकि सूखे एरिया में है तो बारिश तो कम ही होती होगी, तो उन्हें इरिगेशन की, सिंचाई की ज़रूरत पड़ती होगी खेतीबाड़ी के लिए। तो हमें कुछ ट्रेसेस मिले हैं कैनाल्स के, नहरों के। ठीक है, कहाँ पे मिले हैं, मेनली शौतुघाई अफगानिस्तान में मिले हैं, बट पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। अब इन्होंने ये चीज़ यहाँ मेंशन की है तो ये समझने वाली है कि पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। ठीक है, अब ये भी पॉसिबल है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ये बोल रहे हैं कि कैनाल्स हमें सिर्फ शौतुघाई असम में मिली है। तो ये चीज़ भी पॉसिबल है कि जो कैनाल्स थी बाकी सारी उनमें सिल्ट लग गई हो, मतलब मिट्टी जम गई हो, क्योंकि कितनी पुरानी बात हम कर रहे हैं तो हम ये आइडिया लगाते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो भी वाटर जो है वो वेल्स, कुओं से यूज़ करते हों इरीगेशन के लिए, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमें वाटर रिजर्वायर्स कहाँ मिले हैं, धौलावीरा गुजरात में मिले हैं, मे बी वो पानी को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हों एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखनी है, एंड दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, इट्स जस्ट अ स्टोरी, नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। प्लस हम अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया है आप समझ गई हो। मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से तरीके से ईजिली आपको समझा सकूँ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई भी अगर आपको फीडबैक देनी है तो आप कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, सी यू सून।